हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए गार्डनिंग डेकोर आइडिया और कुछ बॉटल डेकोर आइडियाज़ लेकर आई हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ये आइडियाज़ को ध्यान से देखें। अगर आपको अपने गार्डन में या फिर अपने घर की बालकनी में कुछ इस तरह के डिज़ाइंस में से कुछ पसंद आता है तो आप अपने घर को डेकोर कर सकते हो। ये बॉटल गार्डनिंग है जो कि बहुत ही स्टाइल से हैंग की गई हैं। ये भी बॉटल्स हैं, साइड्स में 5 बॉटल्स हैं, बीच में एक बड़ी बॉटल है। ये एक प्यारा सा कॉर्नर है जो कि गार्डन में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बैम्बूज़ हैं, इसके अंदर गार्डनिंग छोटी सी की गई है, प्लांटिंग की गई है। ये भी बॉटल्स ही हैं जो कि ट्रीज़ के साथ अटैच्ड की गई हैं। ये भी बॉटल्स का हाफ पार्ट है, वही कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं सब, जिसको हम पीकर फेंक देते हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होता। ये भी लिक्विड सर्फ की केन है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोर किया गया है। इसकी तो स्टाइल ही बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप में भी इस तरह की क्रिएटिविटी है तो आपके लिए ये अच्छे आइडियाज़ हैं। आप देखकर कुछ अपने, ये देखिए कितनी ही सुंदर लग रही है ये केन, और ऐसे लग रहा है कि लड़की बोल ही उठेगी। बॉटल्स के साथ ही डेकोर किया गया है। वैसे भी बॉटल्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के को ख़राब करती हैं, पोल्यूशन को बढ़ाती हैं। एक तो खर्चा भी नहीं आता, अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स या डिफरेंट बॉटल्स को रिसाइकल करके यूज़ करते हैं, इससे घर भी सुंदर लगता है, खर्चा भी नहीं पड़ता। और जो प्लांट्स होते हैं वो हमारी एयर को प्यूरीफाई करते हैं, हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। मैक्सिमम प्लांट्स लगाने से, चाहे आप घर के अंदर लगा रहे हो या घर के बाहर लगा रहे हो, जितना हम मैक्सिमम प्लांट्स लगाते हैं उतना ही सबको पता है कि हमारे सबके लिए अच्छा होता है। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहे गाइस। सभी डिज़ाइंस डिफरेंट हैं, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आपके घर में स्पेस कम है तो आप वॉल पे भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हो, क्योंकि वॉल्स तो सभी डेकोर करना पसंद करते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ही डिफरेंट डिज़ाइन है। ये भी वॉल के ऊपर जूट रोप के साथ किया गया है डिज़ाइनिंग, बॉटल्स के साथ। ये भी जूट डिज़ाइंस हैं, इसको ये भी रोप के साथ ही राउंड किया गया है। ये भी जूट ही है ये, लेकिन नेट वाली जूट है। आप देखिए सभी, ये भी ड्राई ट्री है और उसके साथ बॉटल्स को हैंग किया गया है। ये भी देखिए, ये भी बॉटल का जो नीचे वाला पार्ट है उसको हैंग किया गया है। ये सारे सभी डिज़ाइंस जो हैं वो थोड़े डिफरेंट और अच्छे हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है या डिफरेंट अपने लिए, या जो आपके घर में सूट कर रहा है जिसको आप कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली करो, क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है कि प्लांट्स हम मैक्सिमम अगर लगाएं, नेचुरल प्लांट्स लगाएं। ये जो वुडन की है ये भी बहुत ही चीप मिलती है, ये मार्केट जैसे मैंगोस या कई चीज़ें इसमें आती हैं जिस तरह से, तो ये उसमें खाली वेस्ट मटेरियल ही है वुडन का। ये भी वेस्ट मटेरियल से ही किया गया है, और ये भी जो स्टेयर्स पड़ी हैं ये भी वेस्ट ही होती है, कई कुछ घरों में यूज़ नहीं होती आजकल इस तरह की स्टेयर्स। तो इस तरह से अपने मन की से, क्रिएटिविटी से आप अपने घर को डेकोर भी कर सकते हैं और पोल्यूशन को प्यूरीफाई भी कर सकते हैं। गाइस, वीडियो को एंड तक देखते रहें, सभी कलेक्शंस बहुत ही अच्छी हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। ये भी देखिए, राउंड सर्कल जो बनाया गया है, ये भी बॉटल्स के नीचे वाले पार्ट से बनाया गया है। ये भी एक घर की साइड के कॉर्नर को डेकोर किया गया है। और ये देखिए, ये ऊपर जार के नीचे जो है वो लाइट्स दी हुई गई हैं, और ऊपर फ्लावर्स। और ये भी जूट रोप के साथ पुराने बर्तन को डेकोर किया गया है, साथ में रिसाइकल किया गया है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड टेक केयर। बाय बाय।